वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब, मेरा नाम सरसोभा सिंह है। मैं लुधियाना शहर के स्कूल की गड्डी चला के अपने अपना तो अपने परिवार का भरण पोषण करदा। मगर पिछले 3 महीने तो साड़ी हालत जड़ी हैगी बहुत ही ज़्यादा माड़ी हो गई। मेरी नहीं बल्कि लुधियाने जिन्हें भी स्कूल वैन ऑपरेटर है सारे की हालत माड़ी हो गई, क्योंकि तकरीबन मार्च अप्रैल मई 3 महीने हो गए सानू किसी चवानी के नाल, सानू किसी भी पेरेंट्स ने सानू चवानी की भी हेल्प नहीं की। गड्डिया खड़ियां, ड्राइवर जिहड़े हैगे वो बालकाल कोल जांदे आ, कहिंदे सानू पैसे दे दिओ, असीं रोटी खानी है। वो कहिंदे जी यह चाबी लै ले स्कूटरी की, चल जा पेरेंट्सां कोल, पैसे मिलते तो कुछ सानू भी दे दे, कुछ तू भी लै जा। पेरेंट्स अगू कहिंदे जी सानू तो सिंगला साहब ने मना किया जी, स्कूल की फीस नहीं देनी, गड्डिया के पैसे नहीं देने, असीं क्यों दईए। हुण असीं कित्थे रोटी खाइए, की करिए, सानू कुछ समझ नहीं आता। सन 2013 के पहले असीं बड़े सुखी सी, पुरानी पुरानी गड्डियां लियांदे सी 60-70 हज़ार की, आराम दे नाल बच्चे बिठाते सी, ना इनकम टैक्स देंदे सी, ना टैक्स देंदे सी, ना कोई इंश्योरेंस होंदी सी। जो जिन्हें 400 देते वह भी रख लिया, जिन्हें 500 देता वह भी रख लिया, साडा भी पेट ढिड भर जांदा सी, आराम नाल गुजारा चलता सी। सन 2013 तो पंजाब सरकार ने तो सुप्रीम कोर्ट साहब का हुक्म होया कि तुसीं नवीं गड्डियां पाणियां, साडी नवीं गड्डियां लैण दी औकात नहीं सी। फिर भी अंडर प्रेशर, स्कूल का प्रेशर अलग, DTO साहब का प्रेशर अलग, ट्रैफिक पुलिस का प्रेशर अलग, उन्होंने करके असी अपना गहना वेच के, पुरानी गड्डिया कबाड़ जी वेच के, असी नवीं गड्डिया किसी तरह बैंक वाले तरले मिथ्या करके असी गड्डिया कढ़ाइया। उदा 20-20 हज़ार रुपया साडा किश्त पै गई। हुण सोचो, कहिंदे अच्छा फिर असी बच्चे ठाण लगे, हुण कहिंदे जी 60-30 बच्चे तो वध तुसीं नहीं बिठा सकते। और तुसीं मैनूं दसो भाजी, लुधियाना शहर में 1000 तो लैके 1200 तो वध कौन पेरेंट्स दिंदा, तो किन्नी कि साड़ी इनकम हो गई, तो किन्ना को असी किस्त भरीए, किन्ना को टैक्स भरीए। साड़ी तो यही सी कि बस इधरों लैके इधरों कर, इधरों लैके इधर कर, बस इधर को ज़्यादा असी कुछ नहीं कर सकते सी, साड़े को दूजा साधन नहीं सी, असी गड्डियां चला रहे सी। स्कूल सिक्ख्या, स्कूल ट्रांसपोर्ट वाले सारे इकट्ठे होकर इतने आए हैं। छोटी जी साड़ी एक प्रॉब्लम हैगी, छोटी तो कह रहे हैं लेकिन है बहुत वड्डी आ, क्योंकि अभी भुखे मरण से आ चुके हुए हैं। जिहड़े पेरेंट्स सानू फीसां देनियां चाहते सी, वो साडे सिक्ख्या मंत्री ने, सिंगला साहब ने, जो साडे सिक्ख्या मंत्री हैगे ने, उन्होंने पेरेंट्स नूं कहता भी तुसीं गड्डियां वालिआं नूं पैसे नहीं देने। एक पासे तुसीं कहिंदे तुसीं अपने ड्राइवरां नूं तनखाह भी देनियां, आसे पासे दा ध्यान भी रखना वा, साडा तुसीं आने वाला तां साधन तुसीं बंद करता, और लोग सानूं फीसां देनियां चाहते आ, क्योंकि उन्हां नाल साडा वधिया रिलेशन, किसी ने सानूं चाचा बनाया है, ताया बनाया बच्चों का, तो लेकिन सिक्ख्या मंत्री ने सानूं साडे पेरेंट्स नाल जिते साडा कम कार सी उन्हां नाल लड़ाई पवाती, और लोग देनी चाहते सी फीस। अभी लोगों को यही अपील करते हैं सिक्ख्या मंत्री को भी, तुम जो नहीं कुछ देना चाहते, घट तो घट तुम पेरेंट्स को तो ना रखो। देखो साढ़े एक छोटी जी गल, साड़ियाँ गड्डिया में सेंटर के बंदे जो काम करते हैं, पंजाब पुलिस के बंदे करते, इन्हें सरकारी महकमे जिन्होंने पूरी तनखाह मिल रही है, जिन्होंने वो घर च वेले नहीं बैठे, इनकम बंद नहीं हुई, घट तो घट वो तो सू फीसा दे सकते हैं ना। मैं यही रिक्वेस्ट है सिक्ख्या मंत्री को, तुम इन्हों कहो भी सानू जिमें स्कूलों वाले 70% कहता, सानू भी घटो घट 70-75% का कहना, असं हाथ जोड़ के पेरेंट्स को जाइए भी पेरेंट्स सानू खुश होकर पैसे देन, असं अपने ड्राइवरों को दईए, तो भुखे मरण की नौबत ना आईए। जिमें साडे सरदार जी सरसोभा सिंह जी ने कहा वा, ना पूरे हो तो फिर काम एक ही आ जाना वा जी, मुंडे पहले मरण दे भुखे, फिर असी माड़े कमां च जाएंगे, तो असी बेचारे मरे देखे बच्चे ने नहीं इच्छावां पूरी होंगे, तो असी भी एंड तक यही हाथ है जी, पखियां नाल लटकां जे पहले किसान मरते सी, हुण गड्डियां वाले मरणगे। और शहर च क्राइम शुरू हो चुका है, मैं भी ट्रांसपोर्टर ही हाँ, मेरिया अपनी गड्डिया, मैं भी अपने ड्राइवर डाटा बैठा के तनखा दे रहा, उन्होंने बैठा के उन्होंने राशन दे रहा, स्कूल बस ने साड़ी जी, स्कूल ट्रांसपोर्ट वाले हाँ, जिन्हें इतने खड़े सारे प्राइवेट स्कूल ट्रांसपोर्ट वाले ने, और सारे इस टाइम एवं शौक ना नहीं आ गए इतने खड़े, असं शौक ना नहीं लैके बैठे हुए, नंगे पिंडे लैके अपने, लू पै रही है, मौसम विभाग कहता घरों ना निकलो, असं इतने मरने टपरा ली खड़े, क्यों खड़े हैं, सानू कोई पुछता ही नहीं पाया, 2-2.5 महीने हो गए ने, कोई एक पैसा सानू नहीं मिले, जो साढ़े को माड़ी मोटी साड़ी रास पूंजी जी सेविंग से असी खा चुके बैठ के, कितों देिए असी मैसेज, सानू भी स्कूलों तो आ गए हैं, अपनी फीसा दो बच्चे की फीसा पढ़ाओ, सानू मैसेज रोज़ मैसेज आ रहे हैं, फोन आने लग गए हैं, असं कितने जाइए, ना सानू कोई रियायत, ना असी सरकार तो मंगते ही पे हाँ, अभी तो यही कहने कि सानू तुम टैक्स माफ़ कर दो, साड़ी पासिंग साड़ी साल की पूरी माफ़ करो, इंश्योरेंस माफ़ करो, सानू पत्ता जो सा बनता सानू दो, असी हक मंगते हैं, भीख नहीं मंगते, साढ़े को करोड़ा रुपया टैक्सा के नाते, परमिटा के नाते, चलाना के नाते, पिछले चलान कटे ने करोड़ा रुपया पंजाब कट्ठा होया, और रेवेन्यू सानू उ दे दौ वापस, साडा पैसा सानू दौ की है, इतने बंदे एह जिन्हें आरसी लाइसेंस कोल ने, पुलिस वाले जा फिर भी चलान कट्टे ने,
ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਆਰਡਰ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੀ ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਜੀ ਅੱਜ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਥੇ ਢੇਰ ਲੱਗਾ ਹੋਊਗਾ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ ਚਾਬੀਆਂ ਡੀਸੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਚਲਾਵੇ ਨਹੀਂ ਚਲਾਵੇ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਦੇਵੇ ਨਾ ਦੇਵੇ ਡਰਾਈਵਰ ਕਨੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖੇ ਨਾ ਰੱਖੇ ਬੱਚੇ ਢੋਣੇ ਸਰਕਾਰ ਢੋਵੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਢੋਨੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਇਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨੇ ਨੇ ਲੀਡਰ ਬਣਨੇ ਨੇ ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਘਰ ਆ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਭਵਿੱਖ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ।